तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की। मैंने कहा था ना पैकिंग करने को। हाँ, कर रही हूँ। अब क्या खुद को भी पैक कर लूँ? जल्दी करो। कर तो रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ ताकि आपको ये घर कभी ना छोड़ना पड़े। कहाँ जा रही हो? वो मेरा कुछ सामान है ना, वो दूसरे कमरे में पड़ा, ले आओ। कुछ घंटे पहले तो बड़ा दावा कर रही थी कि मुझे इस घर से बाहर नहीं जाने दोगी, और अब तो कुछ मिनटों में हम इस घर से ही चले जाएंगे। अरे अगर कुछ करना ही नहीं था तो दावा करने की क्या जरूरत थी? मुक्ति कभी खोखला दावा नहीं करती। देखिए, जब दोस्ती की है तो थोड़ा विश्वास भी कर लीजिए। मैंने आपसे कहा ना, आप इस घर से नहीं जाएंगी, मतलब नहीं जाएंगी। अब इस घर में वही होगा जो हम दोनों चाहेंगे। यहां सिर्फ हमारा राज होगा, सिर्फ हमारा राज होगा। बस थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। तो आपने अपना मंगलसूत्र अभी तक नहीं पहना। तो हम बाद में पहन लेंगे। समझ गया। तो आप ये मंगलसूत्र अपने पति के हाथों से पहनना चाहती हैं? चलिए कोई नहीं, हम ही आपको ये पहना देते हैं। सच कहें तो हमें आज वो दिन याद आ गया जब हमने आपको पहली बार मंगलसूत्र पहनाया था, आपके साथ साथ फेरे लिए थे मंदिर में, और आप अपने सारे सुख दुख छोड़कर हमसे जुड़ गई थी। सही कहती हैं आप, इस मंगलसूत्र में कितनी ताकत होती है ना, जो पति पत्नी को 7 जन्मों के लिए एक कर देते हैं। पर हमारे ये बंधन तो इतना मजबूत है कि 7 जन्म तो क्या, आने वाले 100 जन्मों तक ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। सुनिए,